जम्मू कश्मीर पर भारत सरकार के फैसले के बाद विपक्ष लगातार घाटी के हालात को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहा है, लेकिन सरकार सब कुछ ठीक होने का राग अलाप कर पल्ला झाड़ रही है। लेकिन अब विपक्ष को यूएन का भी समर्थन मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि घाटी की स्थिति पर अब यूएनएचआरसी ने भी चिंता जाहिर कर भारत सरकार को नसीहत दी है। जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के रेगुलर सेशन की सोमवार से शुरुआत हुई। कहा जा रहा था कि इस सत्र में कश्मीर मुद्दा उठाया जा सकता है और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। यूएनएचआरसी के रेगुलर सेशन के पहले ही दिन जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठ गया। अब तक घाटी के स्थानीय लोगों के अधिकारों का हनन करने का आरोप सिर्फ विपक्षी पार्टियों की तरफ से ही लगाया जा रहा था, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार हाई कमिश्नर मिशेल बेलचेट ने ओपनिंग सेशन में ही कश्मीर में मानवाधिकार हनन का मुद्दा उठाया। उन्होंने मानवाधिकार परिषद के 42वें सत्र के उद्घाटन भाषण में कहा कि उनके दफ्तर को लगातार कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर में मानवाधिकार हालात के बारे में रिपोर्ट मिल रही है। उन्होंने भारत और पाकिस्तान को नसीहत देते हुए कहा कि कश्मीर के लोगों के मानवाधिकार का सम्मान और रक्षा की जाए। मिशेल ने कहा, मैं भारत सरकार के हाल के कदमों से कश्मीरियों के मानवाधिकार पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर अत्यंत चिंतित हूँ, जिसमें इंटरनेट संचार और शांतिपूर्ण सभा पर पाबंदी और स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जाना शामिल है। इतना ही नहीं, मिशेल ने भारत सरकार को नसीहत देते हुए कहा, मैंने विशेष तौर पर भारत से आग्रह किया है कि वर्तमान पाबंदी या कर्फ्यू में ढील दे, जिससे बुनियादी सेवाओं तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित हो और यह कि हिरासत में लिए गए लोगों के उचित प्रक्रिया वाले सभी अधिकारों का सम्मान हो। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म हुए एक महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन बावजूद इसके वहां अब भी लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा रही। यहां तक कि स्थानीय नेताओं को हिरासत से रिहा नहीं किया गया, जिस पर विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेर रहा था। इसके साथ ही मिशेल ने असम में 31 अगस्त को जारी किए गए NRC के मसौदे का जिक्र करते हुए भी भारत सरकार से अनुरोध किया कि प्रक्रिया के दौरान उचित नियमों का पालन हो, लोगों को वापस ना भेजा जाए या हिरासत में ना लिया जाए और निश्चित किया जाए कि लोग राष्ट्रविहीन ना हो। अब संयुक्त राष्ट्र की तरफ से मिली नसीहत पर मोदी सरकार क्या स्टैंड लेती है, ये देखना होगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।